दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर लटकन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में आपको लटकन के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए एक ही कलर की बना रही है, ये दोनों मैंने पीस लिए हैं एक ही साइज के, तो आपको साइज बता देती हूँ। देखिए 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 4 इंच इसकी लंबाई ली है, चौकोर पीस है। इसी तरह 2 पीस ले लिए हैं। तो देखिए दोनों पीसों को अंदर की तरफ सीधे रख लेंगे, ऊपर नीचे ये उल्टे होंगे। और अभी एक साइड पे हम यहाँ पे 1 इंच के आसपास खुला रख लेते हैं और यहाँ से लेके पूरा फिर यहाँ तक स्टिच कर देते हैं। मैंने 1 इंच के आसपास खुला रखा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर दिया। इसको पलटेंगे तो इसको इस तरह से पकड़ लें बीच में से, और देखिए आप उंगली की सहायता से इसको पलट सकते। तो देखिए ये कोने अच्छे से निकाल दिए हैं। अभी यहाँ पे जो ये खुला पार्ट है इसको यहीं पे इसको अंदर की तरफ दबा देंगे, जितना हमने सिलाई मार्जिन लिया था इसमें। इसको दबाने के बाद इसके चारों तरफ से हम स्टिच डाल के इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए चारों तरफ मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको इस तरह से 4 फोल्डिंग कर लेते हैं। इससे क्या है, सेंटर में एक कट देंगे तो वो कट हमारा जो बराबर से सेंटर में आ जाएगा। तो एक कोने हम बराबर से सेट कर लेते हैं और यहाँ पे एक कट दे दें। कट हमने दे दिया है। अब इस कट में से डोरी को निकाल देंगे। तो देखिए डोरी को भी हमने निकाल दिया है। इस तरह से रखेंगे डोरी को और देखिए अभी यहाँ पे मार्किंग। तो देखिए यहाँ से 1/2 इंच लेना है इस कोने से। ये ब्रॉकेट का कपड़ा है, थोड़ा आपको लाइट दिख रहा होगा। यहाँ से इस तरह से लेते हुए यहाँ पे एकदम डोरी के किनारे पे ले लेंगे और यहाँ से किनारे पे ले लेंगे। तो यहाँ से आपको दोनों कोने से 1/2 इंच लेते हुए यहाँ पे एक सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। और सिलाई स्टार्ट करते हैं डोरी के साथ में। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरह से स्टिच कर दिया है और फिर अभी इसको इस तरह से ले लेंगे, डोरी को सेंटर में ही ले लें और इसको फिर से हम इसी तरह से सिलाई डालेंगे। यहाँ से 1/2 इंच लेते हुए इधर 1/2 इंच तक डोरी को एकदम बीच में ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ से भी हमने ये सिलाई कंप्लीट कर दी है। अभी इसको पलट देते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये लटकन, देखिए कितना अच्छा लटकन हमारा तैयार हुआ। इसी तरह मैं दूसरा लटकन बना लूँगी। इसी तरह से मैंने दूसरा लटकन भी बना दिया था और देखिए मैंने इसमें ब्लाउज में अटैच कर दिया है। तो आप देख रहे हैं जब आप पहनेंगे तो ये लटकन कितने सुंदर लग रहे हैं। बनाना कितना आसान था। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से लटकन बना सकते हैं कुर्ती ब्लाउज या लहंगे के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।